नमस्कार, मैं श्यामराव मुखर्जी, अध्यक्ष राजाराम बापू पाटिल रिक्शा संगठना। अभी रिक्शा का परमिट बंद होने वाला है, इसके लिए रिक्शा चालकों की भागम दौड़ी चल रही है, 15 साल का दाखिला निकालने का, पुलिस रिपोर्ट निकालने का और अपने को गाड़ी लेने का है। अभी जो आचार संहिता लगी है, नया मंत्रिमंडल आएगा और निर्णय ले लेगा कि रिक्शा का परमिट बंद हो गया, उसके बाद में परमिट मिलेगा नहीं। रेडियो रिक्शा, फोने रिक्शा, इनके लिए ही परमिट नीलाव पद्धति से मिलेगा। तो जो जो रिक्शा चालकों को रिक्शा का परमिट निकालना है, उसमें तत्काल पुलिस रिपोर्ट के लिए ऑनलाइन अर्जी कर दीजिए, 15 साल का दाखिला कर दीजिए, लाइसेंस गिल्ला निकालो, अभी भी तुम्हारा काम हो जाएगा। अभी ये निवडणूक वगैरह ये हो जाएगी, मंत्रिमंडल बनेगा और बाद में निर्णय हो जाएगा। और सरकार ने जल्दी निर्णय नहीं लिया, ये सरकार ने, नया सरकार आएगा तो कोर्ट में जाके उसको स्टे लाया जाएगा और ये स्टे तुरंत मिलेगा कि ये प्रकरण ही न्याय प्रविष्ट है। आपको जो इरादा पत्र दिया जाता है उसमें लिखेला भी है, देखो रिक्शा वालों, कि ये न्याय प्रविष्ट प्रकरण है बोल के न्यायालय के निर्णय से ही ये परमिट बंद हो जाएगा, तो स्टे भी उसको तुरंत मिल जाएगा। फिर सरकार ने निर्णय लिया जल्दी जल्दी तो अच्छा ही है, कि अभी रिक्शा चालकों को भी बहुत रिक्शा हो गई है, उनका व्यवसाय होता नहीं, कालाबाजारी भी बढ़ रही है, तो बैंका पदपेड़ी को भी बहुत नुकसान हो चुका है, कि इसमें एक लॉबी है, दलालों की लॉबी है, बैंक वाले भी 10% पैसा खा के लोन करते हैं, आरटीओ वाले की भी वही लाइन के ही है, मतलब ये सब मिले जुले काम करते हैं, इसके लिए ये सब धोखा निर्माण हो चुका है और वो हिसाब से परमिट बंद हो जाएगा। सब कायदा तोड़ के ही ये परमिट दिएला है, ऐसा अभी दाखिला भी तुरंत 5,000 रुपये देगा तो आरटीओ के सामने ही दाखिला मिलता है, पुलिस रिपोर्ट भी तुरंत मिलता है, मतलब ये सब जो है तो रिक्शा वाले को नियम कायदा कानून कुछ मालूम ही नहीं, वो खाली बोलता है हमारा रिक्शा हमारा परमिट, उसको अपना गाड़ी नंबर भी क्या है वो भी मालूम नहीं, परमिट नंबर भी मालूम नहीं रहता, वो बोलता है हमको गुरु ने दिया, गुरु ने सब जिम्मेदारी लिया है, सब गुरु देखेगा हमारा, यही तो भाषा है। सेवा तो कुछ भी सुधरी नहीं, सेवा सुधारने के लिए बेकारों के लिए, बेकारी कम हो जाएगी, इसके लिए ये रिक्शा का परमिट दिया जाया था, फिर ये सब उल्टा ही हो चुका है, इसके लिए जल्दी ही ये परमिट बंद हो जाएगा, कानून से ही हो जाएगा। तो सभी रिक्शा वालों ये वीडियो शेयर कर दीजिए, मूंच वाला मोकाशी यूट्यूब के वीडियो देखते रहिए, मूंच वाले मोकाशी यूट्यूब का सब्सक्राइब भी कर दीजिए, कि जेने करके आपको वीडियो पहला आएगा और आपको माहिती मिलेगा कि बाबा अभी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आरटीओ का काम कैसा करना है, ये सब आपको मालूम पड़ेगा। तो जिसको रिक्शा टैक्सी का परमिट निकालना है वो जल्दी जल्दी निकालो और तुरंत नया गाड़ी लीजिए और अपना व्यवसाय कर दीजिए, नहीं तो परमिट बंद होने के बाद आप बोलेंगे मैं निकालने वाला था, मेरे पास 15 साल का दाखिला नहीं था, मैंने बिल्ला ही निकाला नहीं और मेरे पास पुलिस रिपोर्ट नहीं था। तो जिसको निकालना है तो उसने तुरंत लाइसेंस बिल्ला भी निकालो, आपका काम हो जाएगा। अभी 2-1 महीने का फुर्सत ही है, समझो ऐसा हो, कितना भी करेगा तो मंत्रिमंडल बनेगा, निवडणूक हो जाएगा, मंत्रिमंडल बनेगा, वो जनवरी फेब्रुवरी आएगा परमिट बंद होने के लिए। तो सभी जन ने जिसको ज़रूरत है रिक्शा परमिट का, तो परमिट जाके निकालो। धन्यवाद। मूंच वाले मोकाशी यूट्यूब देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।